ये देखिए रस इसमें भरपूर मात्रा में होता है, देखिए कितना रस है। और ये जो आप देख रहे हैं ये सारा इसमें फाइबर है, 64% तक इसके अंदर विटामिन सी होता है, 28% तक इसके अंदर विटामिन ए होता है, मैग्नीशियम जिंक होते हैं, फाइबर भरपूर मात्रा में होता है, आपके डायबिटीज में बहुत ही फायदेमंद है। जिन्हें डायबिटीज है इसका सेवन कर सकते हैं, शुगर को आपकी मेंटेन करने में बड़ा अच्छा रहता है, आपका ब्लड प्रेशर मेंटेन करने में अच्छा रहता है, हार्ट के लिए बहुत फायदेमंद फ्रूट है। अगर इसके एक पीस की बात करें दोस्तों 150 रुपए तक का इसका आपको मार्केट में मिलता है। देखिए रस कितनी मात्रा में इसमें होता है। साथियों ये जो मेरे हाथ में फल देख रहे हैं फाइबर से भरपूर, दूर से देखने में बेल पत्थर जैसा दिखने वाला है फ्रूट, ये फल आप देख सकते हैं कितनी भरपूर मात्रा में फल लगता है। आपको काट के दिखाते हैं ये दिखता कैसा है काटने के बाद। ये जो फ्रूट देख रहे हैं इसको देखा काफी लोगों ने होगा, पर काफी बंदों को इसके नाम नहीं पता, काफी लोगों को इसके फायदे के बारे में नहीं पता। इसमें इतने भरपूर फायदे हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। ये देखिए साथियों इसको आप अपने घर पर भी लगा सकते हैं और अपने घर में बुजुर्गों को बच्चों को बिल्कुल इसका फायदा उठवा सकते हैं आप। ये देखिए अंदर से ऐसा दिखता है और संतरे की श्रेणी में आता है, मैग्नीशियम अच्छी मात्रा में होता है और इसके ऊपर गुद्दा देख सकते हैं कितना है। ये गुद्दा हमें खाने के लिए इसको हटाना होता है और जो इसके अंदर ही आप देख रहे हैं ये संतरे जैसा दिख रहा है ये होता है इसका फ्रूट जो हमने खाना होता है। इसके खाने के कई तरीके होते हैं, हम इसको सीधा ऐसे कच्चा भी खा सकते हैं, इसकी चाट भी बना के खाई जा सकती है। इसके लिए आपको करना क्या है इसको निकालना है पहले। ये देखिए काफी देहरादून में पहाड़ी क्षेत्रों में फ्रूट काफी मात्रा में पाया जाता है, पर हमारे जो प्लेन एरियाज होते हैं वहां इतना लोगों को इसके बारे में नहीं पता होता है। ये फ्रूट जो है हिडन जैम है, एक इतना फायदेमंद फ्रूट है कि आप सोच भी नहीं सकते। खाने में इसका टेस्ट बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है और टेस्ट इसका लाजवाब है। जो सबसे अच्छी बात है इसमें दोस्तों इसका स्वाद जो है बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है। अगर आपको कब्ज की प्रॉब्लम रहती है, पेट की दिक्कतें रहती हैं, आपके डाइजेशन ठीक नहीं होता, उसके लिए फ्रूट बहुत ही अच्छा रहता है। टेस्ट जो है इसका बिल्कुल मौसमी और नींबू के जैसा है, जैसे आप मौसमी खाते हैं नींबू की तरह हल्की खटास रहती है, ज्यादा खटास नहीं होती, हल्की खटास होती है। और आफ्टर टेस्ट जो है आपको मुंह में जिस तरह जामुन खाने के बाद आपका मुंह थोड़ा सा सूखा सूखा लगता है, इसी तरह अगर आप चकोतरा खाएंगे वो खाने के बाद भी आपको आफ्टर टेस्ट जरूर इसमें फील हो पाएगा, क्योंकि ये फ्रूट फाइबर और विटामिन के साथ साथ डायबिटीज में बहुत फायदेमंद है, आपके हार्ट के लिए बहुत हेल्दी है और आपके कई प्रकार के आपको इतने फायदे देते हैं। इसके अंदर विटामिन ए होता है, मैग्नीशियम होता है, जिंक होता है, जो आपके शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो साथियों बहुत ही अच्छा ये फ्रूट है, इस प्रकार के फ्रूट को आप अपनी डाइट में जरूर शामिल करें। और एक पेड़ पे भरपूर मात्रा में फ्रूट आते हैं दोस्तों, मतलब ऐसा नहीं है कि आपने एक पेड़ लगाया, अगर आपने एक पेड़ आपके मोहल्ले में लग रहा है एक पेड़ आपके पूरे मोहल्ले को इतना फ्रूट दे सकता है, खा सकता है, फैमिली फ्रूट भी इसको कह देते हैं। साथियों कितनी ज्यादा मात्रा में फ्रूट लगता है, एक ही फ्रूट का वजन 3 से 4 किलो तक होता है, पूरा परिवार एक फ्रूट से खर्च आप अपना आराम से रह सकते हैं। और जो फ्रूट है ये बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट होता है। धन्यवाद।